दोस्तों इसे विडंबना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि जिस राज्य ने देश को 8 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिनमें से 6 की जन्मभूमि भी इस राज्य की माटी रही है, उस उत्तर प्रदेश की गिनती भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में होती रही है। हमेशा से उत्तर प्रदेश अपनी अराजक संस्कृति और भ्रष्टाचारी शासन व्यवस्था के लिए जाना जाता रहा है। जब भी उत्तर प्रदेश का नाम लिया जाता है, दिमाग में सबसे पहले आता है खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, बेरोजगारी, खराब एजुकेशन, खराब हेल्थ सिस्टम और लॉ एंड ऑर्डर की खस्ता हालत। यूपी को पहले गुंडा राज वाला प्रदेश कहा जाता था, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज यहाँ अपना सेटअप लगाने से डरती थी। लेकिन आज देखें तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। यूपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन के क्षेत्र में चौंकाने वाले सुधार किए हैं। लेकिन सवाल आता है कि अचानक से यूपी ने ये सब किया कैसे? एक समय बीमारू राज्य कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश आज भारत का सबसे तेज तरक्की करने वाला राज्य कैसे बन गया है? आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत के सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की गिनती देश के बीमारू राज्य में की जाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार के अथक प्रयासों से यूपी बीमारू राज्य वाली छवि से बाहर निकलने में कामयाब हो गया है। 2015-16 में यूपी की GDP करीब 10.9 लाख करोड़ रुपये थी, जो आज बढ़कर 24.40 लाख करोड़ रुपये हो गई है। साथ ही सरकार ने 2027 तक राज्य की GDP को $1 ट्रिलियन बनाने का टारगेट सेट किया है और इस दिशा में तेजी से काम भी चल रहा है। यूपी की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की चर्चा पूरे देश में है। इसे राज्य के हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने और हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए जनवरी 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों और शिल्प को प्रोत्साहित करना है, ताकि छोटे व्यापारी या MSMI अपने प्रोडक्ट को विश्व स्तर पर ले जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकें। उत्तर प्रदेश में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धियों की नई इबारत लिख रहा है। गड्ढा मुक्त सड़कें हों या एक्सप्रेसवे और हाईवे का निर्माण, फ्लाई ओवर हों या फिर मेट्रो और एयरपोर्ट का विकास, सभी क्षेत्रों में सरकार ने विजन के साथ कदम आगे बढ़ाए हैं। फिलहाल यूपी में 6 एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हैं, जबकि 7 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। इस तरह से 13 एक्सप्रेसवे के साथ आज यूपी देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला स्टेट है, जिसकी वजह से यूपी को एक्सप्रेसवे स्टेट कहा जाने लगा है। इसके अलावा रेल और नए एयरपोर्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश देश का मेट्रो स्टेट भी बनता जा रहा है। किसी दूसरे राज्य के मुकाबले यूपी के सबसे ज़्यादा शहरों में मेट्रो चलती है। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर में मेट्रो दौड़ रही है, जबकि आगरा में भी ट्रायल रन हो चुका है और गोरखपुर, मेरठ, बरेली, प्रयागराज और वाराणसी मेट्रो पर भी काम चल रहा है। यूपी में देश की पहली RRTS भी शुरू हो चुकी है, जो दिल्ली से मेरठ तक चलती है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट के साथ 21 एयरपोर्ट वाला इकलौता राज्य बनने की ओर अग्रसर है। जेवर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है, तो रामनगरी अयोध्या में अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। कुशीनगर, वाराणसी और लखनऊ में पहले से ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, सोनभद्र और श्रावस्ती में एयरपोर्ट के संचालन व प्रबंधन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से समझौता हो चुका है। जिस तेजी के साथ प्रदेश में एक्सप्रेसवे, हाईवे, एयरपोर्ट और फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, उसी तेजी से राज्य में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से यूपी को देश दुनिया से करीब 36 लाख करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट मिली है। साथ ही पूर्वांचल में 10 लाख करोड़ तो बुंदेलखंड में भी करीब 5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए प्रदेश सरकार ने MOU किए हैं। इससे इन क्षेत्रों में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार टूरिज्म पर भी काफ़ी काम कर रही है। जिस प्रकार प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम पर काम किया है, उसी तरह वन डिस्ट्रिक्ट वन टूरिज्म सेंटर का भी विकास किया जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने से वहाँ भारी संख्या में देशी व विदेशी श्रद्धालु आएंगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से टूरिज्म में 150 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा मथुरा, चित्रकूट और गोरखपुर को भी टूरिज्म हब में डेवलप किया जा रहा है और इससे यूपी की टूरिज्म में 4 चांद लग जाएंगे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में भी तेजी से सुधार हुआ है। कानून व्यवस्था में सुधार होने से प्रदेश में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। पहले गुंडा राज होने की वजह से यूपी में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन्हें हमेशा सुरक्षा का डर रहता था। लेकिन अब तस्वीर बदली है। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने यूपी में आ रहे हैं। नई इंडस्ट्रीज खुल रही हैं। यूपी को इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 36 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में IT सेक्टर पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। यूपी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद, ये 3 IT हब हैं
लेकिन करीब 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य में केवल 3 आईटी हब काफी नहीं है, इसलिए सरकार ने कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज को भी आईटी हब के रूप में डेवलप करने का फैसला किया है। दोस्तों, इस तरह से उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है और ऐसा माना जा रहा है कि ये राज्य जल्द $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को टच कर जाएगा। क्या आपको भी लगता है यूपी में विकास हुआ है और कौन कौन से वो एरिया हैं जहां यूपी को और सुधार की जरूरत है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल A1 इंडियंस को भी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।